पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बिलारी सामाजिक आश्रय मानव सेवा संस्थान द्वारा स्थापित सामाजिक आश्रय ग्वार खेड़ा का उद्घाटन हुआ, जिसका कार्यक्रम पूजम ओम शास्त्री द्वारा प्रारंभ हुआ। संस्थापक रोहन सामाजिक एवं जमीन दान दाता पूरन सामाजिक परिवार एवं राकेश मोहरलाल शर्मा कौशल क्रांतिकारी शाह आलम और अन्य टीम के साथ कार्यक्रम का पूजन प्रारंभ हुआ। सभी ने पूजन कर इस कार्य की सराहना की और सराहना करते हुए संस्थापक एवं अध्यक्ष रोहन सामाजिक ने कहा, आश्रय में बेसहारा बुजुर्गों को बेसहारा लोगों को आश्रय मिलेगा, संरक्षण मिलेगा और क्षेत्र का नाम भी ऊंचा होगा। कार्यक्रम में पहुंचे दिवेश कुमार सभासद एवं बिलारी विधानसभा 30 के विधायक मोहम्मद फहीम साहब, रघुराज यादव समाज सेवी और सामाजिक आश्रय निर्माण में रहे श्रमदान टीम सब लोगों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ। सभी ने इस कार्य को लेकर आशीर्वाद दिया कि निरंतर बुजुर्गों की सेवा एवं मनुष्य सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। डॉक्टर राकेश रफीस ने इस कार्य की सराहना की और युवा को बुजुर्गों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए प्रेरणा दी। सुनील ने भी अपने विचार रखे। निशा त्यागी, असित गुप्ता, देवेश कुमार एडवोकेट ने भी एवं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मोहम्मद फहीम साहब ने भी इस आशय की सराहना की और सामाजिक आशय परिवार को हर संभव प्रयास करता रहूंगा ऐसी दिलासा दिलाई। रघुराज यादव ने भी बताया कि मैं समाज के लिए अपनी कमाई का 20% खर्च करता हूँ, वे खर्च करता रहूंगा। ऐसे नेक काम के लिए मैं हर संभव तैयार हूँ और सामाजिक आशय परिवार की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता जमाल ने भी समाज आश्रय परिवार टीम की सराहना की। इस दौरान इस आश्रय संरक्षक शाह आलम एवं हर ज्ञान चाचा कबीर दिलावर हुसैन, जवाहरलाल, सुनील लाठर, विपिन कुमार, सहनी मलिक, प्रशांत गोस्वामी, हर्ष प्रसाद, दिनेश कुमार, मोहनलाल शर्मा, शुभम वीर सिंह, शकुर मियां आदि उपस्थित रहे। ये जो वृद्धा आश्रम खोला गया है, इसमें जो इनकी टीम है, जिसमें रोहन सामाजिक है, पूरन सामाजिक है, नोमान साहब हैं और जो इनकी पूरी टीम है, सबसे पहले तो मैं इन लोगों को बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि सब इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो जिस कार्य को कर जाता है नाम उसी का होता है। और जो इन लोगों ने करके दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि जब ये बिलारी में संचालन हुआ था वृद्धाश्रम का, मैं तब से इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हूँ। जब भी मेरे लायक जो भी सेवा होगी, मैं हमेशा इस आश्रय के लिए तैयार रहूँगा। और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, तन मन धन से और श्रमदान किया है, उन सभी का धन्यवाद। आज जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग दयालु प्रवृत्ति के हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने की इच्छा है, तो वही लोग इस पावन कार्य में हिस्सा बने हैं, तो उन सभी को धन्यवाद। और इस जो इन लोगों की सोच है, उस सोच को मैं सलाम करता हूँ और आगे भी इन सब लोगों के साथ सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।